दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए जियो का और एयरटेल का एक लेटेस्ट न्यूज लेके आए हैं। अगर आप जियो या एयरटेल का सिम रखते हैं तो आपको ये न्यूज जो है लास्ट तक देखना चाहिए, और आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके लिए जियो या एयरटेल का कौन सा प्लान जो है सबसे बेहतर होगा। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी की तरफ से इस वीडियो पे लाइक आ जाए। तो वीडियो को क्या करना, यहाँ से लाइक करना और बगल में एक शेयर का ऑप्शन है जिस पे टच करके इसे दोस्तों के पास आपको अपने फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो है शेयर कर देना, जिससे आपका दोस्त लोग भी जो है देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, जिस पे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को ऑन कर देना। इससे आपको आने वाला हर न्यूज का जो है नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जो सबसे पहले देख पाएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं जियो और एयरटेल का कौन सा जो है न्यूज निकल कर सामने आया है। तो आज जो है 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल को एयरटेल और वोडाफोन और जियो की तरफ से एक जो है यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रहा है, जिसमें जो है लॉकडाउन 2.0 को बढ़ाने के बाद जो है यहाँ पे सभी कंपनियां जो है अपने प्लान की वैधता बढ़ाई है। तो आइए जानते हैं कि प्लान की वैधता क्या बढ़ाई है। दोस्तों एयरटेल और वोडाफोन के साथ अब रिलायंस जियो ने लॉकडाउन को ध्यान में रखकर सभी प्लान्स की वैधता को बढ़ा दिया है। अब उपभोक्ताओं को अपने रिचार्ज प्लान में इनकमिंग कॉल की सुविधा मिलती रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों आइए जानते हैं और आगे क्या बात है। जियो के इस कदम से यूजर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ बिना परेशानी के जुड़े रह सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कंपनी 17 अप्रैल तक अपने जियो फोन यूजर्स को मुफ्त में 100 SMS इनकमिंग कॉल की सुविधा दी थी। तो पहले जो है 17 अप्रैल तक जियो और वोडाफोन ने जो है एयरटेल ने यहाँ पे प्लान की वैधता बढ़ाई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लॉकडाउन 2.0 जब से शुरू हुआ है उसको लेकर और भी जो है यहाँ पे प्लान की वैधता सभी कंपनी ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं आगे की खबर। 20 अप्रैल को खुलेंगे रिचार्ज पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते जियो ने कहा है कि अपनी कंपनी के ज़्यादातर रिचार्ज आउटलेट 20 अप्रैल से खुल जाएंगे, जिससे यूजर आसानी से मोबाइल नंबर रिचार्ज करा सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स माई जियो ऐप या फिर जियो की आधिकारिक साइट पर जाकर भी रिचार्ज करा सकते हैं। अब एयरटेल के बारे में जानते हैं। एयरटेल और वोडाफोन ने वैधता बढ़ाई है, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने उन सब मोबाइल यूजर की वैधता 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है जिनकी वैधता इस महीने खत्म हो रही थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे एयरटेल और वोडाफोन भी जो है यहाँ पे सभी यूजर्स के लिए जो है 3 मई तक वैधता बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पहले लॉकडाउन में भी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने मोबाइल यूजर्स की वैधता 17 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन 2.0 जब से शुरू हुआ है उसके लेकर सभी कंपनियां जो है यहाँ पे 3 मई तक अपने अपने प्लान की वैधता जो है बढ़ाना शुरू कर दिए। साथ ही साथ दोस्तों वैधता बढ़ाने का मतलब है कि जिन प्रीपेड ग्राहकों की वैलिडिटी खत्म हो गई या खत्म होने वाली है उन्हें लॉकडाउन के में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और 3 मई तक उनकी इनकमिंग चालू रहेगी। बता दें कि इससे पहले टेलीकॉम कंपनियों ने ATM और मिस कॉल से मोबाइल रिचार्ज करने की सुविधा दी है। जी दोस्तों यहां पे लॉकडाउन को बढ़ाते ही सभी कंपनियां जो है अपने अपने वैधता को बढ़ाना शुरू कर दी। इसके अलावा ये कंपनियां उन लोगों को भी 6 से 4% का कमीशन दे रही है जो दूसरे का रिचार्ज करा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे उन कंपनियों को भी जो है यहाँ पे कमीशन देना शुरू कर दिए जो दूसरे का रिचार्ज जो है करा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति, आइए जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस की स्थिति क्या है। तो कोरोना वायरस की स्थिति इस वक्त जो है 480 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही साथ 14,378 लोग जो है यहाँ पे संक्रमित हो चुके हैं। इस 18 अप्रैल तक अभी तक 1992 लोग जो है ठीक हो चुके हैं इस कोरोना महामारी से। तो इस तरह से देखा जाए तो तीनों कंपनी जो है जियो एयरटेल और वोडाफोन ये तीनों कंपनियां जो है अपना अपना प्लान का जो वैधता बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। और अगर आपका प्लान यहाँ पे 17 अप्रैल तक खत्म हो रहा था तो यहाँ पे अब 17 अप्रैल तक खत्म नहीं होगा, अब जो है आपका प्लान यहाँ पे चलने वाला है 3 मई तक। तो 3 मई तक आपका जो है यहाँ पे सिम जो है चलेगा उसका वैधता जो है बढ़ेगा, उसका जो है यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग जो है बंद नहीं होने वाला है। तो इसी तरह का अगर और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं हर रोज तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरह का वीडियो जो हमेशा अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा या इस वीडियो से जुड़ा अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।